अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान पर क्लिक करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। शुक्रिया। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एक पॉलीनोमियल गिवन है और इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक नंबर है 7 और 7 का हम स्क्वायर ले लें, तो ये हमारे पास इस तरह होगा 7 × 7 विच इज़ इक्वल टू 49। तो ये 49 जो है ये स्क्वायर है 7 का, स्क्वायर ऑफ 7। और ये 7 जो है ये हमारे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ 49। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम 9 को ले लें, तो 9 स्क्वायर इक्वल है 81 का। तो 81 जो है ये 9 का स्क्वायर है और 9 जो है ये स्क्वायर रूट है 81 का। तो ये हुआ स्क्वायर रूट का कंसेप्ट। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसके बाद इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है सॉल्यूशन। पहले हम इसको इस तरह लिखेंगे, गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 4। इसके बाद इसको हम बाय सम एंड प्रोडक्ट रूल फैक्टराइज करेंगे और इसको हम यहाँ पे राइट साइड पे लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर और 4, इसके प्रोडक्ट से हमारे पास आता है 4x² और सम यहाँ पे हम 4x को लेंगे। अब हमारे पास दो ऐसे टर्म्स चाहिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 4x² और जिसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आए 4x, तो वो है 2x + 2x। तो हम 4x की जगह 2x + 2x लिखेंगे। तो x² + 2x + 2x + 4। इसके बाद यहाँ पे हम x को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे x रहता है और यहाँ पे +2। इसी तरह इन दो टर्म्स में 2 कॉमन है, तो इसको हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास x + 2 रहता है। इसके बाद ये x + 2 और ये x + 2 ये भी कॉमन है, तो हमारे पास x + 2 ये रहता है। इसके बाद ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं और मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम पावर को ऐड करेंगे तो हमारे पास इस तरह आएगा x + 2 और 1 + 1 = 2। तो ये तो हमारे पास आया x² + 4x + 4 के फैक्टर्स। इसके बाद हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो हमारे पास इस तरह आएगा x² + 4x + 4 = x + 2 होल स्क्वायर। इसके बाद हम यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हम यहाँ पे प्लस और माइनस का सिंबल लगाएंगे। इसके बाद ये 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या रहता है, ±x + 2। तो ये हमारे पास आया रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन है x + y² + 6 × x + y + 9। इसके बाद इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो इसको हम बाई फार्मूला नंबर 1 के मुताबिक फैक्टराइज करेंगे। तो ये हमारे पास हुआ a की वैल्यू, फार्मूला नंबर 1 है a + b² = a² + b² + 2ab। तो इस फार्मूले के मुताबिक इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो ये तो हमारे पास आया a की वैल्यू और 9 जो है इसको हम 3² लेंगे, तो वो हमारे पास b की वैल्यू आएगी। तो x + y² हो जाएगा, ये तो a की वैल्यू। फिर
प्लस टू ए बी है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो ए की वैल्यू एक्स प्लस वाई है और फिर बी है, फिर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू जो है वो थ्री स्क्वायर होगा, क्योंकि नाइन हमारे पास इक्वल है थ्री स्क्वायर की, तो बी की वैल्यू हमारे पास थ्री आएगी। तो ये हो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये हमारे पास इक्वल है ए प्लस बी होल स्क्वायर के, तो ए की वैल्यू एक्स प्लस वाई ए फिर प्लस थ्री होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो हमारे पास इस तरह आएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री होल स्क्वायर। इसके बाद हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस आएगी, तो हमारा आंसर है प्लस माइनस एक्स प्लस वाई प्लस थ्री। तो ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ दिस पॉलीनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर वन पार्ट थ्री को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स वाई प्लस सिक्सटीन, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, फार्मूला नंबर सेकंड है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसको हम इस तरह लिखेंगे एक्स वाई होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस टू ए बी है, तो ए की वैल्यू एक्स वाई फिर बी और प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे 16 है, 16 हमारे पास इक्वल है 4 स्क्वायर के, यानी 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 को हम यहाँ पे भी लिखेंगे। अगेन अगर आप माइनस टू इंटू एक्स वाई इंटू 4 इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा माइनस एट एक्स वाई। अब ये हमारे पास हुआ फार्मूला नंबर सेकंड का राइट साइड, तो लेफ्ट साइड हमारे पास इस तरह आएगा एक्स वाई माइनस 4 होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स वाई और बी की वैल्यू 4। इसके बाद हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो इस तरह आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स वाई प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 4 होल स्क्वायर। इसके बाद स्क्वायर रूट, तो हम प्लस माइनस लिखेंगे, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारा आंसर है प्लस माइनस एक्स वाई माइनस 4। अब क्वेश्चन नंबर वन पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 18। इसके बाद इसको हम इस तरह लिखेंगे, ये 18 जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 16 प्लस 2, तो 18 की जगह हम 16 प्लस 2 लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 16 प्लस 2 हो जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप में ये 16 इसको हम अलग छोड़ेंगे, क्योंकि 16 हमारे पास इक्वल है 4 स्क्वायर के, और ये 2 जो है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर के साथ, तो इस तरह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और प्लस 16। इसके बाद यहाँ तक ये हमारे पास फार्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, प्लस टू ए बी यहाँ पे किस तरह बनता है, तो इसको अगर हम इस तरह लिखें एक्स स्क्वायर
प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू एन टू, ये हमारे पास ए हुआ और ये बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो जाएगा। तो ये एक्स और ये एक्स ये तो कैंसिल होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये हमारे पास इस तरह आएगा एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर। तो हम इस एक्सप्रेशन की जगह ये फुट करेंगे एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर, फिर ये माइनस एट इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस सिक्सटीन। इसके बाद अगेन इसको हम फार्मूले के मुताबिक मज़ीद फैक्टराइज करेंगे, तो ये एक्स प्लस वन ओवर एक्स ये हमारे पास एज ए होल ए की वैल्यू हुआ और 16 हो तो 16 हमारे पास इक्वल है 4 स्क्वायर के, तो हम 16 की जगह 4 स्क्वायर लिखेंगे तो ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, फिर माइनस टू ए बी है तो माइनस टू को हम लिखेंगे, फिर ए की वैल्यू ये एक्स प्लस वन ओवर एक्स है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फिर माइनस टू ए बी है तो बी को हम इस तरह फिलहाल छोड़ते हैं, फिर प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ पे 16 है तो 16 की जगह हम 4 स्क्वायर लिखेंगे तो 4 को हम यहाँ पे बी लिखेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूले का शक्ल बना ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये हमारे पास इस तरह आएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर है तो ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है तो एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो हमारे पास इस तरह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर फिर माइनस एट इन टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस एटीन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट हम यहाँ पे भी लेंगे और स्क्वायर रूट यहाँ पे भी लेंगे, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे वैल्यू प्लस माइनस लेंगे तो हमारा आंसर हुआ प्लस माइनस एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस फोर, तो ये हुआ रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। अब क्वेश्चन नंबर वन पार्ट फाइव को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन है एक्स एन टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस वन। इसके बाद इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे हम फेयर बनाएंगे, ये एक्स है तो एक्स के साथ हम एक्स प्लस थ्री लिखेंगे फेयर में एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस वन के साथ एक्स प्लस टू लिखेंगे। फिर प्लस वन रहता है, ये फेयर हमने अकॉर्डिंग टू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी के मुताबिक लिया, किस तरह ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो ये एक पेयर तो हमारे पास ये है और दूसरा पेयर ये है, तो ये वन प्लस टू ये हमारे पास हुआ सी प्लस डी, तो इसके एडिशन से क्या आएगा वन प्लस टू, इसके एडिशन से आता है थ्री। इसी तरह ए प्लस बी तो ये एक्स हो, इसको अगर हम एक्स प्लस जीरो ले लें तो ए की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आएगी और बी की वैल्यू थ्री, तो ज़ीरो प्लस थ्री विच इज़ इक्वल टू थ्री, तो इसके मुताबिक हमने ये फेयर लिए। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को एक्स के साथ तो एक्स स्क्वेयर हो, फिर एक्स को प्लस थ्री के साथ तो थ्री एक्स हो, इसके बाद एक्स को एक्स के साथ तो एक्स स्क्वेयर हो, फिर एक्स को प्लस टू के साथ तो प्लस टू एक्स हो, फिर वन को एक्स के साथ तो एक्स हो, फिर वन को प्लस टू के साथ तो टू, फिर ये प्लस वन रहता है। इसके बाद अगले स्टेप में एक्स स्क्वेयर
प्लस थ्री एक्स, फिर एक्स स्क्वेयर टू एक्स प्लस एक्स से हमारे पास आता है थ्री एक्स, और ये प्लस टू, और लास्ट में प्लस वन। इसके बाद इसमें हम सपोजिशन लेंगे, लेटो ये एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स, इसको हम वाई के बराबर लेंगे। तो इसके बाद यहाँ एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स की जगह हम वाई को फुट करेंगे, तो हमारे पास इस तरह आएगा वाई इन टू, फिर वाई प्लस टू प्लस वन। इसके बाद वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वेयर, फिर वाई को प्लस टू के साथ तो प्लस टू वाई, और लास्ट में प्लस वन। इसके बाद इसको हम फैक्टराइज करेंगे वाई सम एंड प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट से हमारे पास आएगा वाई स्क्वेयर इसके प्रोडक्ट से, और सम जो है वो टू वाई। इसके बाद हमारे पास दो ऐसे टर्म चाहिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए वाई स्क्वेयर, और जिसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आए टू वाई, तो वो वाई एंड वाई है, तो हम टू वाई की जगह ये लिखेंगे वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस वाई प्लस वन। इसके बाद यहाँ से हम y को कामन लेंगे, तो यहाँ पे y और यहाँ पे 1 रहता है, फिर यहाँ पे कामन नहीं है तो हम 1 को कामन लेंगे, तो y प्लस वन। इसके बाद y प्लस वन दोनों में कामन है तो इसको हम कामन लेंगे, तो ये y प्लस वन रहता है। इसके बाद y प्लस वन इंटू वाई प्लस वन, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं y प्लस वन होल स्क्वेयर, और लेफ्ट साइड हमारा है x इंटू एक्स प्लस वन, फिर x प्लस टू, फिर x प्लस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू y प्लस वन होल स्क्वेयर हो जाएगा। इसके बाद y की वैल्यू हम दोबारा फुट करेंगे, हमने y सपोज किया था एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स के बराबर, तो अगेन हम y की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स, और ये प्लस वन होल स्क्वेयर। इसके बाद हम स्क्वेयर रूट लेंगे बोथ साइड, टेक स्क्वेयर रूट बोथ साइड, तो अगेन इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर। इसके बाद यहाँ पे भी स्क्वेयर रूट लेंगे, और यहाँ पे भी स्क्वेयर रूट, तो ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल, वैल्यू हम प्लस माइनस में लिखेंगे, तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, तो ये हुआ इसका रिक्वायर्ड स्क्वेयर रूट। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।